आज का टॉपिक है हमारा कल्चर मीडिया। वील बी टॉकिंग अबाउट कल्चर मीडिया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल्चर मीडिया क्या होता है। ओके, आई टेक दिस कलर। तो व्हाट इज कल्चर मीडिया? ओके, बिफोर वी लर्न समथिंग वी शुड नो अबाउट द टॉपिक। तो कल्चर मीडिया आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ मीडिया। ओके, ग्रोथ मीडिया आर स्पेसिफिक मिक्सचर मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स such as bacteria and fungi, okay? Parasites are also included. तो क्या होता है? Culture media are growth media. We use culture media for growing bacteria, okay? Then next are specific mixture. So what does it constitute? It constitute nutrients and other substances. तो इसमें क्या होता है? It constitutes nutrients and some other substances, okay, that supports the growth of microorganism. So nutrients and other substances, they support the growth of microorganisms. Okay, फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से वील रिपीट, वील राइट इट डाउन नाइसली सो दैट यू कैन टेक नोट्स। Everyone, please note down this thing. This culture media are also known as growth media. Okay? ठीक है? What are they? They are specific mixture of nutrients. Okay? And other substances. Okay? That support the growth of microorganisms. I think you have understood this point. Culture media is a growth media. It is specific mixture of nutrients and other substances that supports the growth and growth of microorganisms. Okay, let's go to the next slide. So let's start with the culture media history. Okay, तो सबसे पहले हिस्ट्री वी टॉक अबाउट कल्चर मीडिया। पहले हम लिक्विड मीडिया यूज करते थे। एंड हु गेव द लिक्विड मीडिया? लिक्विड मीडिया वाज गिवन बाय एल फॉर लुईस पेस्टर। ओके, लिक्विड मीडिया वाज गिवन बाय लुईस पेस्टर। तो लिक्विड मीडिया में क्या होता था? यूरिन एंड मीट ब्रॉथ आर वेर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लिक्विड मीडिया। ओके, देन केम द सॉलिड मीडिया। हु गेव सॉलिड मीडिया? रॉबर्ट कॉच। एंड सॉलिड मीडिया में क्या यूज करते थे? पोटेटो। ओके, बट नाउ वी यूज डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर। ओके, अगर, तो अगर कहाँ से मिलता है हमको? वी गेट इट फ्रॉम सी वीड्स। ओके, रेड अल्गे ऑफ जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आपका नीट एग्जाम के लिए 11, 12, देन यू आर स्टडिंग दिस रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, राइट? तो वहां पे ये सारा नाम सुना होगा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। तो दिस अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके, देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अगर? अगर में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अगर। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूट्रिटिव वैल्यू? न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ अगर इज नन, मींस जीरो कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर के बारे में बात करेंगे। तो एक है न्यूजीलैंड अगर। ओके, न्यूजीलैंड अगर, न्यूजीलैंड अगर का कंपोजिशन क्या है? 1.2%। न्यूजीलैंड अगर इज
1.2%. You have to remember this, okay? And there is Japanese agar. Japanese ka kya hai? 2%. Okay? Next. Semi-solid bhi hai. Semi-solid agar. Its concentration is? Semi-solid agar. Concentration is 0.5%. Okay? Next. तो अगर हमको स्वर्मिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्वर्मिंग, किसी ने सुना है स्वर्मिंग? व्हाट इज स्वर्मिंग? एनीवन हैड हर्ड? सुना है किसी ने स्वर्मिंग क्या होता है? देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द नेम ऑफ क्या है? प्रोटीएस. ओके, प्रोटीएस. देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नोन एज प्रोटीएस. It shows swarming. देखो, this is known as swarming. ये प्रोटीएस है, ऑर्गेनिज्म. ओके, इट शोज दिस सर्कुलर बैंड फॉर्मेशन. दिस इज नोन एज, दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एमडीएस. ओके, दिस इज नोन एज स्वर्मिंग. और अगर हमको स्वर्मिंग इनिबिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट यूज 6% अगर. जो मैंने यहाँ पे बोला है, देखो, इनिबिट स्वर्मिंग यू मस्ट यूज 6% अगर. ठीक है, देन कल्चर मीडिया क्या क्या से बनाते हैं हम? वी यूज पेप्टोन. ओके, वी यूज अगर, वी यूज मीट एक्सट्रैक्ट, वी यूज ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सेरम और ब्लड यूज करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया. ओके, these are the components of culture media. Next, classification. Now we will classify culture media. So classification kya hai? Culture media is classified based on nutritional status. So based on nutritional status kya hota hai? Simple, complex and synthetic. Okay, simple, complex and synthetic. Then based on consistency. Based on consistency kya hota hai? Liquid, semi solid and solid. Okay, then based on oxygen tension, oxygen ke according to oxygen tension it can be classified as aerobic media and anaerobic media. Am I going fast? It's simple, right? Aapko sirf classification yaad karna hai. So I'm going little fast. Okay, based on organism cultivated. So media for bacteria, there are different media. For fungi, there are different media. For parasite, we have different media. For virus, we don't have any media. We don't have culture media. We will talk about how we grow virus in virology. Okay? Virology chapter jab padhenge, we will study how we grow virus. One thing main bolna chahta tha, for the second year students, there are around 21 videos. Theek hai? YouTube में आपको मिलेगा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, सो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन फाइंड 21 वीडियोस है वहां पे, आप देख सकते हो एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. एंड फॉर पैथोलॉजी अराउंड 17 वीडियोस आर देयर ऑलरेडी अपलोडेड. ओके, सो यू प्लीज गो एंड चेक द वीडियोस. ओके, सो बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेटेड, देयर आर मीडिया फॉर बैक्टीरिया, मीडिया फॉर फंगस, मीडिया फॉर पैरासाइट. Now we will talk about simple or basal media. Okay, simple or basal media. So simple media kya hota hai? They contain minimum ingredients. Okay, that support the growth of non-fastidious bacteria. They contain minimum. Simple matlab simple hai. Zyada kuch nahi hota hai isko. Minimum ingredients. Okay, that supports. That supports the growth of non-fastidious bacteria. Growth of non-fastidious bacteria. आप बोलोगे सर आपने बोला non-fastidious bacteria, हमको तो पता ही नहीं है ये non-fastidious bacteria क्या है. तो इसीलिए मैं पहले से पता है किसी को fastidious और non-fastidious? Yes, sir. बताओ तो. Which do not require to the any extra nutrition. Okay, just okay. Style of Staphylococcus or Pseudomonas. Megha, yes. बोल रही हो? कौन बोल रहा है?
सर मेघा। ओके ओके मेघा, यस यू आर राइट। तो फास्टिडियस का मतलब है, ए फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज कॉम्प्लेक्स और पार्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और नॉन फास्टिडियस का मतलब है उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उतना कुछ नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव मच न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो सिंपल और बेसल मीडिया इज यूज फॉर दिस। ओके, तो सिंपल मीडिया में क्या आता है आपका, पेप्टन वाटर, देन कम्स न्यूट्रिएंट ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगर, ये तीन का नाम याद रखना है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे याद रखना है, पेप्टोन वाटर में पेप्टोन होता है 1%, NaCl होता है 0.5% और वाटर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे बोलो तो एक लड़का है, ठीक है, देयर इज ए बॉय एंड देयर इज ए गर्ल, ओके, दे आर इन ए रिलेशनशिप, ओके, बट वो जो गर्ल है शी इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट द बॉय हैव ऑल द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई व्हाट यू विल से, नो प्रॉब्लम हनी। ओके, तो एन पी एच, ओके, तो एन फॉर NaCl हो गया, P फॉर पेप्टोन और H फॉर वाटर, याद रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल और बेसल मीडिया, ये हो गया पेप्टन वाटर के बारे में। अब न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट। ओके, तो पेप्टोन न्यूट्रिएंट ब्रोथ में क्या है, इट इज इंक्लूडिंग दिस प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट। अब न्यूट्रिएंट अगर क्या है, न्यूट्रिएंट अगर इज न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 2% अगर। ओके, तो दिस इज अबाउट सिंपल और बेसल मीडिया, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म हमने बात किया, दिस इज न्यूट्रिएंट अगर। ओके, इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस बोलते हैं इसको, दिस इज न्यूट्रिएंट अगर। ओके, दिस इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट एनरिच मीडिया। तो एनरिच मीडिया में क्या क्या आता है, वी हैव ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, देन लॉफलर सेरम स्लोप, देन ब्लड कल्चर मीडिया। ओके, तो हमने कल बात किया था कि दिस, कल या परसों बात किया था अबाउट आपका स्टेरिलाइजेशन के बारे में, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, तो ऑटोक्लेव में कौन सा होता है और इंसिपिशन किस किस और किस किस कल्चर मीडिया का होता है, एनीवन कैन टेल मी इंसिपिशन कहाँ पे होता है, एलएसएस एंड एलजी मीडिया। हाँ, एलजे एंड एलएसएस, ठीक है, ये लॉफलर सेरम स्लोप और एलजे मीडिया में इंसिपिशन होता है, और बाकी में ऑटोक्लेव, जैसे ब्लड अगर है इसको ऑटोक्लेव करेंगे, चॉकलेट अगर है ऑटोक्लेव करेंगे, ब्लड कल्चर मीडिया है इसको ऑटोक्लेव करेंगे। ओके, तो दिस आर एनरिच मीडिया, और ये क्या है, चॉकलेट अगर, पर इसमें कुछ चॉकलेट नहीं होता है, ठीक है, प्लीज डोंट बी इन क्या बोलते हैं उसमें, नहीं रहना वहम में, नहीं रहना कि चॉकलेट अगर में चॉकलेट रहता है, दिस इज नॉट चॉकलेट, इसका कलर चॉकलेट कलर है पर दिस इज नॉट चॉकलेट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट्स वील टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, तो एनरिच मीडिया के बारे में बात करते हैं हम, एनरिच मीडिया में क्या है, सबसे पहले ब्लड अगर, ब्लड अगर में क्या है, मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगर एट 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या है, न्यूट्रिएंट अगर एट 45 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ प्लस ये क्या है, शिप, शिप आरबीसी 5 to 10% शिप आरबीसी, तो ये जो ब्लड है ये शिप का है। ओके, शिप आरबीसी 5% शिप आरबीसी। ओके, एंड एनरिच मीडिया इज मोर न्यूट्रिशियस। ओके, देन चॉकलेट अगर, अब चॉकलेट अगर क्या है, इट मेल्ट्स एट 70 डिग्री सेल्सियस। देखो, ब्लड अगर मैंने क्या बोला था, 45 डिग्री सेल्सियस, ब्लड अगर 45 डिग्री सेल्सियस, बट चॉकलेट अगर
70 degree Celsius. Okay, so this is the different or ship RBC. इसमें भी ship RBC रहता है, पर इसको melt करते हैं 70 degree Celsius पे. इसमें 45 degree Celsius है इसकी, इसलिए red color है, और इसको ज्यादा melt करते हैं इसलिए इसका color है chocolate color. Okay, this was about chocolate color. अब enriched media. This is Loeffler serum slope. ये जो है Loeffler serum slope, और ये किस लिए यूज करते हैं हम? Cornibacterium diphtheria के लिए. ओके, Cornibacterium diphtheria. ओके, नाउ एनरिच्ड मीडिया में और भी कुछ है. एक है मोनोफेजिक मीडिया. तो मोनोफेजिक मीडिया क्या है? BHI ब्रोथ. अब BHI ब्रोथ का मतलब क्या है? ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन. ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन. ओके, तो मोनोफेजिक में सिर्फ लिक्विड होता है, ठीक है. देन ब्लड कल्चर बायफेजिक. ये मोनोफेजिक में मोनो मतलब वन, और वन कैसे दिखता है? एल की तरह, राइट. तो लिक्विड, ठीक है. बायफेजिक में क्या है? आपको लिक्विड भी होगा प्लस सॉलिड भी होगा, ठीक है. नाउ एनरिचमेंट ब्रॉथ. एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या है? एनरिचमेंट ब्रॉथ आर लिक्विड मीडिया. ओके, हमको याद रखना है एनरिचमेंट ब्रॉथ आर लिक्विड मीडिया दैट अलाउ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो. जैसे हमने कुछ बीमारी है किसी पेशेंट का, यूरिन सैंपल लिया है, अब हमको देखना है कि उस जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है वो डिजीज, वो ऑर्गेनिज्म को हम ज्यादा ग्रो करना है, और नॉर्मल फ्लोरा को उतना हमको ध्यान नहीं देना है. तो इफ यू वांट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, देन वी यूज एनरिचमेंट ब्रॉथ. और एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या होता है? इट इज ए लिक्विड मीडिया. ओके, ठीक है. इसका एग्जांपल क्या है? सेलेनाइट एफ एंड टेरा थायोनेट ब्रॉथ. ओके, जो कि सल्मोनेला और शिगेला के लिए यूज किया जाता है. और एक है अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, जो विब्रियो कोलेरा के लिए यूज किया जाता है. अब देखो, और एक चीज है, दिस इज सेलेक्टिव मीडिया. सेलेक्टिव मीडिया का भी काम एक ही है. ओके, व्हाट डज एनरिचमेंट ब्रॉथ डू? सेलेक्टिव मीडिया ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट सेलेक्टिव मीडिया इज सॉलिड. ओके, और एनरिचमेंट ब्रॉथ इज लिक्विड. ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको. तो सेलेक्टिव मीडिया में क्या क्या आता है? लोवेनस्टीन जेंसेन. लोवेनस्टीन जेंसेन कहाँ पे यूज करते हैं हम? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. देन आया TCBS. TCBS क्या है? थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज. ओके, तो TCBS हम कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज TCBS फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रियो. ओके, TCBS कहाँ पे यूज करते हैं? हम विब्रियो में यूज करते हैं, विब्रियो कोलेरा. नेक्स्ट हमारा क्या है सेलेक्टिव मीडिया? डिओक्सी कोलेट अगर. ओके, और जाइलोस डाइसिन डिओक्सी कोलेट. तो ये दोनों दे आर यूज फॉर सल्मोनेला और शिगेला, दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ठीक है. देन वी हैव गॉट पोटेशियम. PTA मतलब पोटेशियम टेलुराइड अगर. इट इज यूज फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया. दिस इज द सेलेक्टिव मीडिया. ये देखो लोवेनस्टीन जेंसेन मीडिया, दिस इज यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ओके, तो दिस आर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉलोनीज. और इसको क्या बोलते हैं? राफ, टफ एंड बफ कॉलोनीज. ओके, दिस वाज अबाउट लोवेनस्टीन जेंसेन. ये है TCBS. ओके, थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज. तो ये क्या होता है? विब्रियो कोलेरा, और ये विब्रियो पारा हेमोलाइटिकस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे. विब्रियो कोलेरा इट शोज येलो, ये दिखा रहा है, एंड दिस वन शोज ग्रीन, पारा हेमोलाइटिकस. ओके, कोलेरा येलो दिखाता है. देन वी टॉक अबाउट डिओक्सीकोलेट साइट्रेट अगर. ओके, तो डिओक्सीकोलेट साइट्रेट अगर इज सुटेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ डायसेंट्री बेसिलाई, फूड पॉइजनिंग, सल्मोनेला एंड सल्मोनेला पैराटाइफी बी, एंड लेस सो बट सुपीरियर टू मेकोंकी अगर फॉर सल्मोनेला टाइफी. तो ये डिओक्सीकोलेट अगर हम यूज करते हैं सल्मोनेला टाइफी के लिए. ओके, फाइन. नेक्स्ट, दिस इज पोटेशियम
टेलुराइट अगर, पोटेशियम टेलुराइट अगर कहाँ पे यूज करते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, आपको ये सब याद रहना पड़ेगा कि कौन सा कल्चर मीडिया कहाँ पे हम यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एवरी कल्चर मीडिया एसोसिएटेड विथ इट. ओके, तो पोटेशियम टेलुराइट अगर इज यूज फॉर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट मीडिया. तो ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है? They are used for the transport of specimens containing delicate organism or when the delay is expected. सोचो आपका जो लैब है, आप यू आर पोस्टेड इन ए वेरी इंटीरियर एरिया, इंटीरियर एरिया, ओके, एंड नाउ योर लैब इज अराउंड 6 hours फ्रॉम द प्लेस यू आर पोस्टेड. पर आपने सैंपल लिया है, ओके, You have taken the sample of the patient. तो आपको वो sample अभी lab में पहुंचाना है कि नहीं? आपको वो lab में पहुंचाना है. तो क्या करेंगे हम? We will use transport media. We will use transport media to make the sample reach the lab. So transport media का example क्या है? Tours media. Okay, MS media. They are used for Neisseria. Then क्या होता है? वेंकट रमन रामकृष्णन. ओके, वी आर मीडिया इज यूज फॉर विब्रियो. वी आर मीडिया और कैरिब्लियर मीडिया इज यूज फॉर विब्रियो. ये सारा याद रखना है, यहाँ पे ज्यादा समझना भी है और साथ में याद भी रखना है. ओके, पाइक्स मीडिया इज यूज फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स. ओके, नेक्स्ट, अभी हम डिफरेंशियल मीडिया के बारे में बात करेंगे. तो डिफरेंशियल मीडिया क्या है? दिस मीडिया डिफरेंशिएट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग एन इंडिकेटर. डिफरेंशिएट टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग एन इंडिकेटर. देखो यहाँ पे जैसे मेकोंकी अगर है, ओके, तो यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटर, ओके, लैक्टोज फर्मेंट करने से मेकोंकी अगर पिंक कॉलोनीज दिखाता है. और इफ द लैक्टोज इज नॉट फर्मेंटेड, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड, देन इट शोज कलरलेस. तो पिंक कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है? ईकोलाई एंड क्लेप्सेला. और कलरलेस कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है? सलमोनेला एंड शिगेला. ओके, सो दिस इज डिफरेंशियल मीडिया. डिफरेंशियल मीडिया का और एक एग्जांपल है, दैट इज क्लैड मीडिया. क्लैड मीडिया का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट. ओके, अब इसका क्लैड मीडिया का एडवांटेज ओवर मेकोंकी क्या है? इट इज लेस इनहिबिटरी एंड सपोर्ट्स बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कैंडिडा. कैंडिडा क्या है, कोई बोल सकता है? व्हाट इज कैंडिडा? सेकंड ईयर फंगस. हाँ, दिस इज ए फंगस व्हिच कॉजेस कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस का और एक नाम बोलो, मोनिलियासिस. हाँ, मोनिलियासिस. ओके, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैड मीडिया? इट इज लेस इनहिबिटरी देन मेकोंकी एंड इट सपोर्ट्स बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कैंडिडा. ओके, डिफरेंशियल मीडिया ये बात कर लिया हमने. Now we will talk about anaerobic media. So anaerobic media क्या है? Anaerobic media contain reducing substance which take up oxygen and create lower redox potential and thus permit the growth of anaerobes. So anaerobic media supports the growth of anaerobes. Okay, supports the growth of anaerobes. एग्जाम्पल क्या है एनारोब्स का? क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम को ये सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए. तो इसमें क्या है? रॉबर्टसन कुक मीडिया. इट प्रोवाइड्स ग्लूटाथियोन एंड वी हैव गॉट DHIS व्हिच सप्लाइज विटामिन के. ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट शुगर मीडिया. शुगर मीडिया में क्या होता है? 1% शुगर इन पेप्टोन वाटर. ओके, नेक्स्ट इज ट्रिपल शुगर आयरन. ओके, TSI. तो ट्रिपल शुगर आयरन में 3 sugars आर देयर. व्हाट आर द 3 sugar? ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. तो इतना ही है
for today's class.